हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स गाइस, आफ्टर मिसकैरेज सम प्रॉब्लम्स कम्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड सम डाउट्स कम इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस, व्हाट आर द डाउट्स एंड इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट डाउट्स। सो गाइस, कुछ डाउट्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं आफ्टर मिसकैरेज। गाइस, जैसे कुछ डाउट्स आपके हम लेते हैं, तो गाइस जैसे आपका सबसे बड़ा डाउट होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए, और गाइस और भी ऐसे डाउट्स हैं, तो दोस्तों वन बाय वन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करते हैं और सभी चीजों को प्रॉपरली में समझते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा डाउट आता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी फिजिकल रिलेशनशिप कब बनाना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 2 वीक आपको वेट करना है, मतलब 2 वीक्स तक आपको क्या है, बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब गाइस, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि जो पीरियड है वो कब आएगा। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आफ्टर मिसकैरेज जो फर्स्ट पीरियड हो सकता है वो इररेगुलर हो सकता है कि जो पीरियड की जो आपकी डेट हो उस डेट के बियॉन्ड वो चला जाए। हो सकता है कि जो पीरियड आपका 1 महीने में आता था, हो सकता है 1 से 1.5 महीना ले ले। तो गाइस, ये पीरियड की वजह से होता है कि सम टाइम्स आपका जो पीरियड है वो इररेगुलर हो जाता है। अब गाइस, नेक्स्ट आपका जो डाउट रहता है वो होता है कि जो नेक्स्ट बेबी प्लानिंग है वो कब कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा आपको पता है कि आपका मिसकैरेज हुआ है, और दोस्तों जो आपकी बॉडी है वो इस समय पूरी रूप से हेल्दी नहीं है, और दोस्तों जब आपकी बॉडी पूर्ण तरीके से हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर आप बेबी प्लानिंग करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आपके साथ हो जाएगी। और गाइस, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको मिनिमम आफ्टर 3 मंथ बाद आपको बेबी प्लानिंग करना चाहिए, 3 महीने से पहले आपको बेबी प्लानिंग का नहीं सोचना चाहिए। और गाइस, डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं कि जब आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए, और दोस्तों जो आयरन कंटेंट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, और दोस्तों आयरन कंटेंट में जैसे आपकी जो हरी सब्जियाँ हैं वो आपको लेना चाहिए। और गाइस, हरी सब्जी के अलावा आप क्या है, सेब वगैरह भी खा सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रॉपर वे है वो आपको फॉलो करना है। और गाइस, अगर आपका मिसकैरेज अगर हुआ है और अगर आपने डॉक्टर से नहीं पूछा है, तो गाइस आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर कई बार तो अपनी तरफ से बता देते हैं, दोस्तों आजकल तो ये सीन हो गया कि डॉक्टर जल्दी से अपनी तरफ से कुछ आपको नहीं बताते हैं जब तक आप उनसे पूछें ना। तो गाइस, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो गाइस एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, आप उनसे पूछिए कि क्या क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। और गाइस, अगर मिसकैरेज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मिसकैरेज के बाद ठंडी चीज़ें पूरी तरीके से अवॉइड करनी चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे आपका दही हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं जो चावल हो गए, और आपका ठंडा पानी हो गया फ्रिज का, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और जो गर्म चीज़ें हैं उन पर फोकस करना चाहिए, जैसे गर्म चीज़ों में आप कई चीज़ें खा सकते हैं, जो चीज़ें आपकी बॉडी में गर्मी प्रोवाइड करें उन चीज़ों को आपको क्या लेना चाहिए। तो गाइस, मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया। दोस्तों, यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, सेक्स एजुकेशन के हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल पे जाना होगा, प्लेलिस्ट में आपको सर्च करना है। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का नाम दिखाई देगा। दोस्तों, प्लेलिस्ट का नाम है आपका सेक्स एजुकेशन। दोस्तों, जब आप जाएंगे सेक्स एजुकेशन नाम की प्लेलिस्ट में, दोस्तों वहाँ पे आपको और वीडियो मिलेंगे अबाउट प्रेगनेंसी, उनको देखकर आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और गाइस, सेक्स एजुकेशन के अदर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उन सारे वीडियोस को अगर आप देखते हैं डेफिनेटली आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। और गाइस, आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और गाइस ऐसे वीडियोस पाते रहिए। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, आपके पास ऐसे हमारे वीडियोस आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।